बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, सिलेक्शन है 9 बॉल सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इनमें से 6 रेड बॉल में से किसमें से 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स। इनमें से 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर सिलेक्शन में हर कलर की 3-3 बॉल हो। तो प्यारे बच्चों जब हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और उन 9 में से हर एक कलर की 3 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 6 रेड बॉल में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 रेड बॉल। इन 5 व्हाइट में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 व्हाइट बॉल्स। और इन 5 ब्लू बॉल्स में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 ब्लू बॉल्स। 3 रेड बॉल्स 6 में से, 3 व्हाइट 5 में से और 3 ब्लू 5 में से, तो तभी तो हमारे पास 9 पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप तो हम लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू, अब देखो 6 में से कितनी चाहिए, 3, 6c3 इंटू 5c3। अब आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, 5c3। आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच 3 रेड बॉल फ्रॉम 6 बॉल कैन बी सिलेक्टेड, ये वाला पार्ट। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज बाय विच 3 व्हाइट बॉल फ्रॉम 5 व्हाइट बॉल कैन बी सिलेक्टेड इक्वल टू ये वाला पार्ट। फिर नंबर ऑफ वेज बाय विच 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, ये वाला पार्ट। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से हम देखिए क्या करेंगे, तो ये हुआ प्यारे बच्चों 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख रहा हूं, और यहां पे भी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यहां पे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को छोटा कर लो, एक को 6, 5 और 4 और ये 3 फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास एक 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं और एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 5, 4 और ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 × 1 और ये 3 फैक्टोरियल ऐसे रहने दिया। ठीक इसी तरह से ये भी 5, 4 × 3 फैक्टोरियल, ये 2 × 1 और ये 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, ये 6 है जो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, यहां से इसके कैंसिल किया तो 2 रह गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल किया तो 2 रह गया। अब देखो हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट से बच गया 5 और 4 यानी कि 20, सेकंड वाले पार्ट से हमारे पास 10 बच गया, और थर्ड वाले पार्ट से भी हमारे पास कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 20 की 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन साफ ही क्लियर है, आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड 52 होते हैं, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब पहले बच्चों देखो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स, इसमें से 5 कार्ड्स चाहिए हमें, क्या करना है 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें से 52 कार्ड्स में से, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। अब उसमें कैसा है, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, एक एस जरूर होना चाहिए, तो इन 52 कार्ड्स में से एस कितने हैं,
इन 52 कार्ड्स में से हमारे पास एस 4, इक्के कितने हैं 4 और कितने एस नहीं है 48। अब प्यारे बच्चों देखो, अब समझो इस क्वेश्चन को कि हमें एक एस चाहिए, एग्जैक्टली वन एस, तो हमें चाहिए वन एस आउट ऑफ 4, चार में से एक चाहिए और टोटल कार्ड्स निकालने हैं 5, तो बाकी के जो 4 चाहिए कार्ड वो कैसे होने चाहिए, नॉन एस, नॉन एस वो कितने में से आएंगे आउट ऑफ बाकी के जो 48 है, इन चार में से तो नहीं आ गए, अगर इन चारों में से कोई सा भी आ गया तो फिर वो तो इक्का हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो हमें कार्ड्स तो टोटल 5 निकालने हैं लेकिन उसमें एक एस होना चाहिए, तो एक एस कितने में से आएगा 4 में से, तो बाकी के जो 4 कार्ड बच गए वो किस में से आएंगे 48 में से, तो सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे पहले बच्चों देखो, 4 में से तो 1 4c1 और 48 में से 4 48c4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल इनटू ये 48 फैक्टोरियल, ये 48 माइनस 4 यानी कि 44 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, तो अब इसको लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और ये तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसको हमने जब लिखा तो ये आ गया हमारे पास 48, 47, 46, 45 और ये 44 फैक्टोरियल, यहां पे हमारे पास है 44 फैक्टोरियल और ये 4, 3, 2 और 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे इसको, जब हम करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 44 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, देखो ये 4, 3 जा 12, 12 से 24, तो ये तीनों 24, ये 42 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया, यहां से तो हमारे पास ये बचा, नीचे सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो कह रहे बच्चों अब हमारे पास क्या क्या टर्म बच गई है, हमारे पास टर्म बच गई है, अब देखो यहां से कितना बचा है हमारे पास, इसमें से तो 4 बचा था, 4 और है हमारे पास यहां से 2, फिर हमारे पास 47, 46, 45 क्या और तो नहीं कुछ रहा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, तो पहले 45 की 2 से की तो 90 की हम 4 के साथ करते हैं 360 आ गया, तो यहां से तो हमारे पास 360 आ गया, इसकी कर ली हमने, इसकी और इसकी कर ली, अब हम इसकी 46 के साथ कर लेते हैं, 46 के साथ करेंगे ये आ गया 06, 06, 5 और ये 6 और 1, अब इसकी जो बना है उसकी 7 के साथ भी कर लेते हैं, 0, 11 और यहां 4 से करेंगे तो 0, 6, तो ये इसको सॉल्व किया तो 0, 2, 1, 8, 7, 7, तो ये आ गया हमारे पास 7, 7, चेक कर लेना एक बार, ओहो यहां पे प्रॉब्लम है, 3 आया ना, 13, 13 से 3 और 8, 7, 7, 8, 3, 2, 0, 2, 0, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा आप कैलकुलेशन का जोर देख लेना क्योंकि थोड़ी सी फास्ट की है। तो प्यारे बच्चों देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।